दोस्तों नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं हेल्थ फर्स्ट में। दर्शकों, हमारी हमेशा कोशिश रहती है आपको आपकी बीमारी से जुड़ी हर समस्या से निजात दिलाने की, जो कि बनी हुई आपकी परेशानी का सबब। आज बात करेंगे स्पोर्ट्स इंजरी की और कोशिश करेंगे बीमारी का इलाज जानने की, आज आपके फेवरेट शो हेल्थ फर्स्ट में। दर्शकों, आंतरिक चोटें जो कि ज्यादातर स्पोर्ट्स इंजरी के कारण, एक्सरसाइज सही से न करने के कारण होती है, के बारे में हम बात करेंगे। ये चोटें हैं मोच, मसल स्पेन, मांस का फटना, स्ट्रेन। ये चोटें ऐसी होती है जिनका इलाज तो तुरंत हो जाता है, लेकिन इंटरनल पेन यानी कि आंतरिक दर्द आपको लंबी उम्र तक परेशान करता है। आज इस पर ही चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर रविंद्र लामोरिया, जो कि अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। तो दर्शकों, अगर आपको भी कभी कोई स्पोर्ट्स इंजरी हुई थी और उसका आज तक इंटरनल पेन आप सभी को बना रहता है और उसका आप समाधान चाहते हैं डॉक्टर साहब से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स इंजरी जो होती है वो क्या होती है? स्पोर्ट्स इंजरी जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है जी, बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स जी। लेकिन क्या होता है कि नॉर्मली स्पोर्ट्स में कोई इंजरी नहीं होती है जी। अब अच्छे से ज्ञान होने नहीं होने की वजह से, या फिर अचानक से कोई स्पोर्ट्स या खेल की एक्टिविटी स्टार्ट करने पे जी। क्योंकि बॉडी और जॉइंट और लिगामेंट्स प्रिपेयर नहीं होते हैं, तो अचानक से बहुत ज़्यादा लोड उन पे पड़ जाता है, तो दैट कॉजेज स्पोर्ट्स इंजरी। जैसे अचानक से गिर गया या कोई ट्विस्टिंग हो गई है, तो दैट कॉजेज स्पोर्ट्स इंजरी जी। तो अगर डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँ, नॉर्मल इंजरी जो होती है व्यक्ति को और स्पोर्ट्स इंजरी, उसमें डिफरेंस कैसे कर सकता है कोई भी व्यक्ति? नॉर्मल इंजरी तो किसी भी एक्सीडेंट की वजह से हो सकती है, गिरने की वजह से हो सकती है, लेकिन इनको स्पोर्ट्स इंजरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड होती हैं जी। और क्यों होती हैं? जैसा कि मैंने बताया कि पर्सन और उसकी बॉडी तैयार नहीं होते हैं पूरी तरह से खेल के लिए या कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, तो अचानक से दिया गया कोई भी लोड उसको इंजरी दे देता है जी। तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने बता दिया कि किन किन इंजरी को स्पोर्ट्स इंजरी कहा जाएगा, लेकिन डॉक्टर साहब, किसी भी व्यक्ति को अगर स्पोर्ट्स इंजरी होती है तो बॉडी के किस किस पार्ट में होना ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, वो जानना चाहूँगा आपसे, या फिर हार्मफुल हो सकती है पार्ट? जैसे कि स्पोर्ट्स इंजरी से इंडिकेटेड होता है कि ये खेलने के दौरान होती है, तो जो कॉमन टाइप की इंजरी है वो होती है एंकल जॉइंट, जैसे अपने टखने के पास, या फिर नी जॉइंट पे और या फिर कंधे में जी। ये कॉमन टाइप ऑफ, इसमें क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं अपन? एंकल स्प्रेन, आपने बहुत सुना होगा कि एंकल स्प्रेन हो गया, ट्विस्टिंग। ये नॉर्मली क्या है कि जो सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते टाइम फिसलने की वजह से भी हो सकती है, या ऑन फील्ड जब भी स्पोर्ट्स कोई कर रहा होता है तब वहाँ से स्टार्ट होती है जी। दूसरी तरह की इंजरी आती है ग्रोइन इंजरी या फिर हैमस्ट्रिंग इंजरी। अपन बहुत बार क्रिकेट के खेल में सुनते हैं कि हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई है और प्लेयर इज आउट ऑफ स्पोर्ट्स फॉर सम ड्यूरेशन जी, क्योंकि ये स्ट्रेस है। स्ट्रेस क्या होता है कि एक इसको स्पोर्ट्स इंजरी को समझने के लिए बेसिकली अपने को ये समझना होगा कि क्या होता है ये लिगामेंट्स और टेंडन्स जो क्या होते हैं जी। तो इनको यूँ समझ सकते हैं कि अपन लिगामेंट्स जो जॉइंट्स को सपोर्ट करते हैं, और तो ये एक तरह से स्प्रिंग की तरह आप इनको मान सकते हैं जी। क्योंकि एक लिमिट तक तो ये स्ट्रेच हो सकते हैं और फिर वापस से रिकॉयल हो सकते हैं, बट उस लिमिट से ज़्यादा अगर आप उसको स्ट्रेन दें, खींचेंगे, तो वो वापस से अपनी पोजिशन पर नहीं आ जाते और गिविंग वे, मतलब वो टूटना जिसको बोलते हैं, या फिर उसका कुछ पार्ट डिफॉर्म हो गया जी, तो वो प्रॉपर जो उसका फंक्शन है वो लॉस्ट हो जाता है जी। सो दे कॉल्ड स्पेन इंजरी जी। इसी तरह घुटने में जैसे कुछ सपोर्टिंग लिगामेंट्स होते हैं और घुटने के अंदर के लिगामेंट्स होते हैं, जैसे एंट्रियर क्रूशियल लिगामेंट, ACL टीयर, PCL टीयर, या फिर कोलेटर लिगामेंट टीयर, उसके साथ ही जोड़ के घुटने के अंदर गद्दियाँ होती हैं जिनको हम मेनिस्कस बोलते हैं जी, उनकी भी इंजरी हो सकती है जी। इसके अलावा कंधे में जैसे बॉलिंग करते टाइम, या फिर हाथ के बल पे गिरने पे, या फिर बहुत ज़्यादा खिंचाव की वजह से, पुलिंग की वजह से, ये कंधे में भी स्पोर्ट्स इंजरी के बहुत आम प्रकार हैं। एक बहुत कॉमन आपने सुना होगा टेनिस एल्बो, बिल्कुल ओवर यूज ऑफ दिस हैंड बाय द रिपीटेटिंग मोमेंट ऑफ द एल्बो और द गोल्फ स्टिक, दे कॉल द टेनिस एल्बो जी। बिकॉज वो भी वही होता है, क्योंकि उसका जो उसकी जो कैपेसिटी होती है टेंडन की
टेंडन मसल को बोन से अटैच करने का काम करता है, जोड़े रखता है, फंक्शन प्रोवाइड करता है, बट वो ओवर यूज की वजह से स्ट्रेचिंग हो जाती है और वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाता जी। बात आई अब आपके खतरनाक होने की स्पोर्ट्स इंजरी, जी डॉक्टर साहब, वो तब होती है जैसे स्पेशली नी जॉइंट में जैसे चारों लिगामेंट टूट गए हैं और नी जॉइंट बाहर निकल गया है। हाँ। जैसे सीवियर फोर्स में कोई दौड़ रहा है बहुत तेजी से, जैसे फुटबॉल के खेल में होता है कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स, उसके साथ ही जैसे जॉइंट निकल गया है जी। या फिर ये बाइक की जो इंजरी होती है बहुत स्पीड में कोई बाइक स्किड किया है या रोटेटिंग इंजरी हुई, तो जब जॉइंट निकल जाता है तो उसके साथ में ही ब्लड वेसल्स और पीछे की जो नाड़ियां होती हैं उनकी नर्व्स होती हैं उन पे डैमेज कर सकता है, तब ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि उसमें उसकी खून का दौरा आगे पैर का चला जाएगा तो पैर को बचाना भी कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके साथ में ही जैसे गर्दन में इंजरी हुई या सर में किसी की इंजरी हो गई तो उस फॉर्म में ये बहुत खतरनाक भी साबित हो सकता है। अदरवाइज जो बहुत हल्की चोट होती है स्पोर्ट्स इंजरी वो एक फिजियोथेरेपी और एक प्रॉपर गाइडेंस की साथ साथ ठीक की जा सकती है जी। और सीवियर फॉर्म में जो इंजरी होती है उसको अपन सर्जरी के द्वारा या फिर जो भी एक मैनुअल होता है इन बिटवीन पाथवे डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी, मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर है टूट ही गया है लिगामेंट तो उसकी दूरबीन से सर्जरी या फिर ओपन सर्जरी की जाती है, और नहीं तो हल्की चोट को अपन आराम से एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ उसको भी ठीक किया जा सकता है जी। डॉक्टर साहब अभी आपने बताया कि कौन कौन सी तरह की इंजरी हो सकती है स्पोर्ट्स खेलते वक्त व्यक्ति को, तो हैमस्ट्रिंग जब देखा जाता है डॉक्टर साहब तो बार बार हैमस्ट्रिंग की समस्या देखने को मिलती है प्लेयर्स में और जो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं उनमें, तो ऐसा क्यों होता है वो जानना चाहूँगा आपसे। ऐसा स्पेशली इसीलिए होता है, हैमस्ट्रिंग क्या होती है, जो अपनी जांघ के पीछे की मांसपेशियाँ हैं उनका अचानक से खिंच जाना जी, आवश्यकता से अधिक एक बार से खिंच जाती है उसको अपन हैमस्ट्रिंग इंजरी कहते हैं जी। बार बार होने का इसका कारण क्या होता है कि जब प्रॉपर बॉडी उसके लिए वापस से तैयार नहीं हो पाती है जी। और अर्ली जब कोई भी पर्सन स्टार्ट कर देता है अपना स्पोर्ट्स या फिर अपनी एक्टिविटी तो ये पूरी तरह से हील नहीं हो पाती है जी, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में बताया था कि एक लिगामेंट खिंच गया है स्ट्रेच हो गया है तो उसकी जो एनाटॉमी है पूरी तरह से जो उसकी स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाती है जी। तो उसको प्रॉपर हीलिंग के लिए एक अच्छा पीरियड कम से कम 4 से 8 सप्ताह का टाइम चाहिए विद प्रॉपर फिजियोथेरेपी, उसके बाद ही जब उसको फिर चेक किया जाता है कि वो वापस फील्ड पे जाने के लिए अपना स्पोर्ट्स करने के लिए तैयार है कि नहीं है जी, उसके बाद ही हम उसको अलाउ करते हैं। अगर उससे प्री मेच्योर वो फील्ड पे चला गया अपना स्पोर्ट्स रिज्यूम कर लेता है जी, तो वो वापस से रिपीटेटिव मोमेंट होने की बहुत खतरा रहता है जी। ऐसा एक पूरा रिहेबिलिटेशन होने के बाद में भी हो सकता है क्योंकि एक नेचर होती है किसी भी टेंडन या लिगामेंट की कि वो एक बार इंजरी हुई तो वापस से उसी मोमेंट में वापस से इंजरी जी। डॉक्टर साहब अभी के लिए एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हैं, अलवर से इंद्रजीत जी हैं। इंद्रजीत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। हेलो, हाँ जी बोलिए इंद्रजीत। हाँ डॉक्टर साहब, यस हेलो, हाँ जी बोलिए सर। हाँ जी अपना सवाल पूछिए इंद्रजीत जी। हेलो, हाँ हाँ डॉक्टर साहब, एक्चुअल 3-4 साल पहले घर पे, हाँ डॉक्टर साहब जी जी बोलिए मैं सुन पा रहा हूँ। अपने मेरे अपने घर पे ना अलमारी सरकाते हुए लास्ट पॉइंट पे स्पाइनल में ना जी पेन हुआ था जी। नॉर्मली क्या होता है कि जब कोई आदमी स्लिप हो जाता है सीढ़ियों से फॉल होता है अगर वहाँ गिर जाता है तब ये कंडीशन होती है, लेकिन इनके केस में मुझे लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ा है लोअर बैक पे और उसके साथ में ही वो दर्द स्टार्ट हुआ है जी। तो अगर वो नॉर्मली इसमें कोई बहुत ज़्यादा सर्जरी की तो ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इसका इलाज लंबा चलता है जी, इन फॉर्म ऑफ जैसे हॉट फोमेंटेशन शीर्स बार जिसको हम कहते हैं वो दिया जाता है और हार्ड सरफेस पे बैठने को अवॉइड किया जाता है, मना किया जाता है, उसके साथ में कुछ दर्द निवारक दवाइयाँ भी चलती हैं, तो ये धीरे धीरे कई बार टाइम लेता है लेकिन धीरे धीरे जाके ठीक हो जाता है। रेजिस्टेंट केस में जहाँ आराम होता ही नहीं है वहाँ पे हम लोकल स्टेरॉइड या लोकल इंजेक्शन भी लगाते हैं जी, जिससे इससे निजात पाई जा सकती है जी। तो दर्शकों अगर आप भी जानना चाहते हैं इंद्रजीत जी की तरह ही अपनी कोई स्पोर्ट्स इंजरी का इलाज और या फिर उसका समाधान डॉक्टर साहब से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगा, जब जब स्पोर्ट्स इंजरी होती है तो बहुत बार पता नहीं लग पाता है उसका, क्योंकि इंटरनल इंजरी काफ़ी प्रभावित करती है लोगों को, तो इंटरनल इंजरी का कैसे पता लगाया जा सकता है वो जानना चाहूँगा आपसे। इंटरनल इंजरी ये क्योंकि लिगामेंट्स और टेंडन्स की इंजरी है जी, तो ये होती इंटरनल है मोस्टली,
बहुत कम केसेस में एक्सटर्नल इंजरी जैसे ब्लीडिंग हो गई या फिर उसके साथ में एसोसिएटेड कोई फ्रैक्चर हो गया या फिर जोड़ निकल गया है तो वो एक्सटर्नल अपने को दिखता है जी। उसके बजाय ज्यादा एक बार के लिए बीच में आपको रुकना चाहूंगा। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, भरतपुर से पदम है। पदम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी बोले। डॉक्टर साहब मेरी बिटिया है 26 साल की एज है। हाँ जी। और उसके एक बेबी है साल भर की। उसके सारे जॉइंटों में शरीर में दर्द होता है तो डॉक्टर साहब को दिखाया था, उन्होंने विटामिन डी बहुत कम हो गया उसका। तो डॉक्टर साहब किस चीज से वो सही होगा, ये दर्द किस वजह से होता है और ये विटामिन डी किस वजह से कम हो गया, अब उसका कोर्स चल रहा है विटामिन डी का बढ़ने का। देखिए हाँ, ये वैसे तो स्पोर्ट्स इंजरी का तो नहीं है टॉपिक, लेकिन बिल्कुल ऑर्थोपेडिक्स का टॉपिक है क्योंकि इसके एक साल की उम्र में अगर आपके डॉक्टर ने बताया है कि विटामिन डी की कमी है, जिसको हम आम भाषा में या रिकेट्स भी बोलते हैं, तो ये किसी भी वजह से जैसे माता के द्वारा जो विटामिन डी की आपूर्ति होती है बच्चे में, या फिर दूध का बराबर नहीं पीना, या फिर उसके दूध के पाचन में कोई कमी हो, तब ये कंडीशन आ सकती है। तब हमको निश्चित रूप से उसको विटामिन डी सप्लीमेंट देना पड़ेगा बाहर से, जब तक कि वो बॉडी अपने आप से उसको उसको मॉडिफाई अपने आप बोन्स को और जॉइंट्स को प्रॉपर जो सप्लाई है वो नहीं मिल पाती जब तक। जी डॉक्टर साहब अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, प्रेम जी हैं बीकानेर से। प्रेम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। हाँ जी, हाँ जी नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार प्रेम जी बोलिए। सर मैं तो प्रेम बिंदु बोल रहा हूँ बीकानेर से सर। जी हेलो, मेरे पूछना है सर, राइट हैंड में मेरे जो रिस्ट है सर जी, और वहाँ पे बहुत पेन होता है मेरे, जैसे मतलब मोड़ने से घूमने से बहुत ज्यादा पेन होता है सर। क्या कोई चोट लगी है आपको वहाँ पे? चोट तो नहीं लगी, एक बार क्या है बाइक निकालते घर से, बाइक निकालने बार उस समय थोड़ा झटका जरूर लगा था मेरे। जी ये कितने दिन पहले की बात होगी? ये ऑलमोस्ट 1 ईयर तो हो गया। 1 ईयर। ये जैसा कि अभी हम शुरू में बात कर रहे थे, ये भी एक लिगामेंट और टेंडन्स की इंजरी है डेफिनेटली, और जैसा कि उसमें क्या होता है बार बार रिकरेंस का एक कारण ढूंढने की कोशिश कर रहे थे हम, वो यही है कि जब इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, उसके बाद प्रॉपर फिजियोथेरेपी और एक ऑर्थोपेडिक सर्जन या फिर स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट की गाइडेंस में आपको रिहेबिलिटेट होना होता है, क्योंकि ये लिगामेंट और टेंडन इतने क्रिटिकल होते हैं, इतने सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर हीलिंग पहले ज़रूरी है, उसके बाद ही जैसे आप वापस से जल्दी बाइक चलाना स्टार्ट कर दिया या फिर उस हाथ का वापस से आपने उपयोग करना शुरू कर दिया, तो वो निश्चित तौर से ये प्रॉब्लम लंबे समय तक चल सकती है और इम्प्रॉपर हीलिंग या फिर इनकम्प्लीट हीलिंग की वजह से कुछ पेन रह सकता है, क्योंकि रिस्ट जॉइंट में भी सपोर्टिंग लिगामेंट्स होते हैं आगे पीछे साइड्स में और टेंडन्स, तो इनमें से किसी की इंजरी हुई है डेफिनेटली। अगर आपको लगता है कि हड्डी में कोई इंजरी नहीं हुई थी उसको रूल आउट करने के बाद में, तो एक प्रॉपर आप गाइडेंस लीजिए ऑर्थोपेडिक सर्जन की, उनको चेक करा के, और बहुत जल्दी अपने आप से ये नहीं मान लें कि अब मैं ठीक हो गया हूँ, अब तो मैं अपना काम कर सकता हूँ, तो ये प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है, उसको फॉलो करिएगा तो निश्चित रूप से उसमें फ़ायदा होगा। और अभी अगर पुरानी इंजरी हो गई है तो भी उसको असेस करा के एक वापस से आप एक तो हो सकता है थोड़ा लंबा प्रोटोकॉल हो, लेकिन वही आप रिहेबिलिटेशन का प्रोटोकॉल फॉलो करके और वापस से फिजियोथेरेपिस्ट और एक ऑर्थोपेडिक सर्जन उसकी मदद से वापस से आप अपना काम सुचारू रूप से वापस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों फिलहाल के लिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं हेल्थ फर्स्ट में और आगे डॉक्टर साहब से जानेंगे कि इंटरनल इंजरी का कैसे पता लगाया जा सकता है।